साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में नया खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है, सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। समर सिंह को लेकर यह खुलासा है, उस रात यानी कि 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात का यह खुलासा है, जिसमें समर सिंह की लोकेशन को लेकर महा खुलासा हुआ है। जी हां, उसका खुलासा हुआ है कि समर सिंह उस रात कहां था, क्योंकि उस रात समर सिंह कहीं और नहीं था बल्कि वाराणसी में था। और खबर तो यहां तक है कि समर सिंह उस होटल भी पहुंचा था जहां पर आकांक्षा दुबे थी। इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ा सवाल, समर सिंह वहां पर आकांक्षा को तड़पते हुए देखना चाहता था, उसे खत्म होते हुए देखना चाहता था। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और पुलिस सूत्रों से इसे लेकर बड़ी खबर मिली है। और एप्पल कंपनी जो कि आईफोन बनाती है, उसने इसे लेकर यानी कि समर सिंह की लोकेशन को लेकर फाइनली जवाब दे दिया है, जानकारी शेयर कर दी है। तो पूरी खबर डिटेल में आपको बताते हैं, समझाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अब समर सिंह के साथ क्या सलूक होना चाहिए, कितनी जल्दी होना चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। आकांक्षा दुबे केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। पहले समर सिंह नकारता रहा कि उसका आकांक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने कुछ वक्त के रिलेशन को मान भी लिया, लेकिन तब भी ये नहीं माना कि वो आकांक्षा को परेशान करता था, टॉर्चर करता था, और यहां तक कि आकांक्षा को खत्म करने में उसका हाथ था। मगर फिर आया आकांक्षा का वो वीडियो जिसने पूरा का पूरा केस साफ कर दिया। और खुद आकांक्षा दुबे ने कह दिया था कि उसे अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा, कोई और नहीं। और ये वीडियो पुलिस को दे दिया गया। अब समर सिंह और उसके पाप का भागीदार संजय सिंह तो जेल के अंदर बंद है, लेकिन यहाँ समर सिंह को लेकर नया और बड़ा खुलासा हो गया। उसकी लोकेशन पता चल गई है फाइनली, कि उस रात को जब आकांक्षा को खत्म किया गया तो उस रात समर सिंह कहाँ था, तो जवाब है वाराणसी। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि उस रात समर सिंह वाराणसी में ही था। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 25 मार्च की शाम को जब आकांक्षा दुबे वाराणसी के मॉलिक्यूल पब में गई थी तो वहां पर दोस्तों के साथ उसने पार्टी भी की थी, तो उसी दौरान समर सिंह गोरख से वाराणसी आया था। और इसके बाद आकांक्षा खासी खुश भी थी, सीसीटीवी में सभी ने देखा था कि पार्टी खत्म होने के बाद लिफ्ट का इंतजार करते वक्त आकांक्षा डांस भी कर रही थी। लेकिन अभी तो असली कहानी बाकी थी, क्योंकि आकांक्षा अपने उन दो दोस्तों के साथ होटल जा रही थी उन्हीं की कार से, मगर बीच रास्ते में एक और नई कार आती है और आकांक्षा फिर अचानक ना चाहते हुए भी उस कार में बैठ जाती है। जी हां, कहानी में ट्विस्ट यहीं से आया। अब उस नई कार को लेकर आया था संदीप सिंह, जो कि समर सिंह का बेहद करीबी है, और उसे लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है कि अब उसे समर सिंह ने ही वहां पर भेजा था। समर के कहने पर वो कार लेकर गया था, आकांक्षा को बीच रास्ते में दूसरी कार से उतारकर अपनी कार में बैठा होटल सुमेंद्र लेकर गया, और वहां रात में करीब 7 मिनट तक आकांक्षा दुबे के कमरे में भी रुका था। अब ये सभी जानते हैं कि संदीप सिंह वहां आया था, आकांक्षा को लेकर कमरे में गया था, 7 मिनट तक वहां रुका था, इसका सीसीटीवी वीडियो भी आया था। लेकिन यहीं पर पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इसके बाद समर सिंह भी उसी होटल पहुंचा था। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समर सिंह की उस रात की लोकेशन का पता चल गया, सर्विलांस के जरिए नहीं बल्कि समर सिंह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लोकेशन का पता लगाया गया है एप्पल के सर्वर से। जी हां, एप्पल के सर्वर की इसके लिए मदद ली गई है। एप्पल कंपनी ने फाइनली टाइम लगाने के बाद, करीब 1 महीने के बाद, समर सिंह की उस रात की लोकेशन शेयर कर दी है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, क्योंकि आईफोन में सिक्योरिटी फीचर बहुत ज्यादा होते हैं, लिहाजा उसे ट्रेस किया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल होता है, सर्विलांस की मदद से भी ज्यादा कुछ हासिल होता नहीं है। और इसीलिए पुलिस ने एप्पल कंपनी को इसे लेकर मेल लिखा था, समर सिंह की उस रात यानी कि 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात की लोकेशन मांगी गई थी, क्योंकि समर सिंह खुद सच बता नहीं रहा था, पुलिस को गुमराह कर रहा था। तो अब फाइनली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि समर सिंह की उस रात की लोकेशन को आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने शेयर कर दिया है, और वो लोकेशन कहीं और नहीं है बल्कि वाराणसी की ही निकली है। यही नहीं, आगे भी देखिए, सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि वाराणसी में सारनाथ के उसी सोमेंद्र होटल के पास भी समर सिंह की लोकेशन मिली है, यानी कि समर सिंह उस रात सोमेंद्र होटल के पास भी गया था, या हो सकता है कि होटल के अंदर भी गया हो, और वहां जाकर होटल में उसने क्या किया, इसे लेकर शक गहरा गया। और देखिए, सूत्रों के मुताबिक खबर तो यह भी है कि समर सिंह
आकांक्षा को आखिरी वक्त में खत्म होते हुए खुद देखना चाहता था, क्योंकि समर सिंह आकांक्षा को इस्तेमाल पूरी तरीके से कर चुका था, उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। और समर सिंह आकांक्षा के साथ शादी करने से तो पहले इनकार कर चुका था और उसका पैसा मेहनताना भी नहीं देना चाहता था, जो कि करोड़ों में था, और इसका एकमात्र इलाज था आकांक्षा को खत्म करना। मगर सूत्रों के मुताबिक समर सिंह इतना ज्यादा घटियापन पर उतर आया कि वो आखिरी वक्त में आकांक्षा को तड़पते हुए देखना चाहता था, आकांक्षा को खत्म होते हुए देखना चाहता था और ये कंफर्म करना चाहता था कि आकांक्षा दुबे खत्म हुई कि नहीं हुई, और खत्म हो गई तो कैसी हुई, कितना तड़पी। अब हालांकि इसका वीडियो भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी ने किसी सीसीटीवी में समर सिंह कैद जरूर हुआ होगा और कहीं तो उसने अपना नकाब हटाया होगा ताकि उसकी पहचान हो सके। वैसे एप्पल कंपनी की तरफ से डाटा मिलने के बाद ये साफ हो गया है कि उस रात, कहें कि उस सुबह, समर सिंह वाराणसी में ही था और चुपचाप आकांक्षा का पीछा कर रहा था और उसे खत्म करने के लिए कोई कोर कसर बाकी ना रहे ये इंश्योर कर रहा था। हालांकि तब समर सिंह को अंदाजा नहीं था कि आकांक्षा को अगर कुछ भी होता है तो वो खुद ही फंस जाएगा, और इसीलिए वो निश्चिंत था और इसीलिए खुलकर वाराणसी में घूम भी रहा था, होटल के आसपास मंडरा भी रहा था। यानी कि समर सिंह पूरी तरह से राक्षस हो चुका था, उसका बिहेव, उसका चाल चरित्र सब कुछ बेहद ही ज्यादा खतरनाक और घटिया हो चुका था। मगर असली कहानी तब पलट गई जब आकांक्षा के खत्म होने के बाद पहला नाम समर सिंह का ही आया। समर सिंह पर आकांक्षा दुबे की मां ने पहला और सबसे बड़ा आरोप लगाया, तो उसके बाद समर तुरंत ही फरार भी हो गया और उसके बाद गाजियाबाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब कुल मिलाकर ये बड़ा और नया खुलासा है जिसने समर सिंह की पूरी पोल खोल दी है। न सिर्फ समर सिंह का इस साजिश में हाथ दिख रहा है बल्कि खुद समर सिंह भी आकांक्षा को खत्म करने में पूरी तरह से शामिल नजर आ रहा है, और ये साफ साफ आरोप आकांक्षा की मां ने भी लगाई है। और अब तो आकांक्षा के आखिरी वीडियो के बाद पुलिस की जांच में मिले सबूतों और गवाहों के बाद ये साफ होता दिख रहा है कि समर सिंह इस पूरे के पूरे मामले में मास्टरमाइंड है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, इस नए खुलासे पर क्या कहना है, समर सिंह की लोकेशन को लेकर इस खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि बवाल मच रहा है। हालांकि समर सिंह संजय सिंह जेल के अंदर बंद है और दोनों को एक बार फिर से रिमांड पर लेने की तैयारी हो रही है, क्योंकि पहले एक बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन उसके बाद आकांक्षा का वो वीडियो आया था जिसमें आकांक्षा ने खुद के साथ कुछ भी होने पर सारी जिम्मेदारी समर सिंह की बताई थी, जिसके बाद खासा बवाल मचा था। और अब उसी वीडियो के बाद पुलिस ने भी जांच बदल दी है। जो पुलिस अब तक आकांक्षा के खुद के एंगल से जांच कर रही थी, उसी पुलिस ने एंगल बदला है और मामला अनुराधा सिंह तक पहुंच गया है, क्योंकि अब अनुराधा सिंह इस केस में मेन कड़ी नजर आ रही है। अनुराधा सिंह को वाराणसी पुलिस बार बार बुला रही है, पूछताछ के लिए आने के लिए कह रही है, लेकिन समन भेजने के बाद भी अनुराधा आई नहीं। और यहां तक कि सूत्रों के मुताबिक अनुराधा ने वाराणसी पुलिस के सामने यहां आने के लिए, पूछताछ में शामिल होने के लिए एक शर्त तक रखी थी, जिसे सूत्रों के हवाले से पुलिस ने खारिज भी कर दिया था और अनुराधा का वाराणसी आना इसी वजह से कैंसिल भी हो गया था। अब मामले में ट्विस्ट ये है कि अनुराधा सिंह अंडरग्राउंड है, यानी कि वो कहाँ है, किसके साथ है, किस शहर में है, किसी को पता नहीं है। क्योंकि खबर तो यहाँ तक है कि जिस इमली टीवी सीरियल में वो काम करती है, तो उसकी काफी सारी शूटिंग वो पहले ही कर चुकी है और अब वहाँ पर उस टीवी सीरियल के सेट पर भी नहीं जा रही है। जी हाँ, इमली टीवी सीरियल के सेट पर भी अनुराधा नहीं जा रही है, पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अब उसी अनुराधा को पकड़ने के लिए, उसी अनुराधा को दबोचने के लिए, वाराणसी लाने के लिए पुलिस ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है, के लिए एक्शन प्लान बना लिया। अगले 24 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अनुराधा सिंह इन दिनों नए लोगों से नहीं मिल रही है और खबर है कि किसी सीक्रेट जगह पर वो मौजूद है, और ये जगह मुंबई में ही हो सकती है। हालांकि खबर तो यहाँ तक है कि अनुराधा सिंह फिलहाल मुंबई में ही है और वहीं से अपने करीबियों के जरिए बात कर रही है। अब सूत्रों के मुताबिक इमली टीवी सीरियल में अनुराधा का काम लगभग खत्म हो चुका है और बहुत जल्द उसकी वहां से छुट्टी हो सकती है, और ये बात अनुराधा को भी बता दी गई है, जिसके बाद अनुराधा नए टीवी सीरियल्स की तलाश में है। क्योंकि मुंबई में रहना है तो खर्चे के लिए काम तो करना ही होगा, लेकिन अभी की कंडीशन ये है कि वाराणसी अनुराधा सिंह आना नहीं चाहती है, पुलिस के सवालों का जवाब देना नहीं चाहती, और इसीलिए चोरी छिपे लोगों से मिल रही है ताकि जैसे ही मामला शांत हो तो उसके हाथ में नया टीवी सीरियल हो, नया काम हो, और इसीलिए चोरी छिपे ही अपने लिए फिलहाल डीलिंग कर रही है। ऐसी खबरें आ रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।